हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त काजोल। पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 16 का विनर बनने के बाद रैपर एमसी स्टैन और भी पॉपुलर हो गए हैं। स्टैन ने पॉपुलैरिटी के मामले में सलमान खान से लेकर पठान स्टार शाहरुख खान और विराट कोहली तक को भी पीछे कर दिया। स्टैन की सफलता बिग बॉस में उनकी जर्नी से मिली है। एमसी स्टैन ने बिग बॉस 16 के सबसे चहेते कंटेस्टेंट में से एक थे, जिन्होंने अपने पॉपुलर स्लैंग से काफी लाइमलाइट बटोरी है। उनका शेमड़ी वर्ड काफी चर्चा में रहा, साथ ही उन्हें बस्ती की हस्ती कहा जाता है। आम जनता से तो उन्हें प्यार मिला ही, सेलेब्स ने भी उन्हें काफी पसंद किया। यही वजह है कि विनर बनने के बाद सलमान खान से लेकर रोहित शेट्टी तक ने उन्हें महंगे तोहफे दिए हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि किन स्टार्स ने कितने लाख का गिफ्ट दिया है। बात सलमान खान की करें तो वायरल वीडियो के मुताबिक सलमान खान ने स्टैन को एक प्लेटिनियम ब्रेसलेट गिफ्ट किया है, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए है। सलमान ने कई बार स्टैन की तारीफ की है और उन्हें स्लैंग फील यू ब्रो और हक से का इस्तेमाल किया है। अगर बादशाह की बात करें तो फेमस रैपर बादशाह का एमसी स्टैन से गहरा बॉन्ड है। सपोर्ट करने के साथ साथ बादशाह ने स्टैन को एक महंगा गोल्ड नेकलेस भी गिफ्ट किया। उनके एक्सपेंसिव नेकलेस की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं एमसी स्टैन की गर्लफ्रेंड बूब आउट फॉर शेख अनम ने अपने प्यार की जीत पर उन्हें एक प्यारा तोहफा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बूबा ने स्टैन को 45 लाख रुपए की BMW बाइक गिफ्ट की है। वहीं रोहित शेट्टी की बात करें तो एमसी स्टैन को उन्होंने भी महंगा गिफ्ट दिया है। उन्होंने स्टैन को 45 लाख रुपए की मिनी कूपर कार गिफ्ट की है। वहीं हमारे क्यूट से अब्द रोजिक, जिनका बॉन्ड एमसी स्टैन से काफी प्यारा रहा, स्टैन की जीत पर खुश अब्दू ने उन्हें 6 लाख रुपए की चौपॉड वॉच दी है। वहीं साजिद खान की बात करें तो साजिद खान भी एमसी स्टैन को बहुत पसंद करते हैं। उनके ग्रुप का नाम मंडली रखा गया था, जिसमें स्टैन भी शामिल थे। कहा जा रहा है कि साजिद ने भी स्टैन की जीत पर उन्हें 3 लाख रुपए की डायमंड चेन दी। वहीं निमृत कौर आलूवालिया भी एमसी स्टैन की दोस्त थी, उन्होंने स्टैन को 2.5 लाख रुपए की रोलेक्स वॉच दी है। यानी कहा जा सकता है कि वाकई एमसी स्टैन की पॉपुलैरिटी बिग बॉस के बाद और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं सुपरस्टार शाहरुख खान की, और किसी अलग पहचान के वो मोहताज ही नहीं है। अपनी शानदार फिल्म और एक्टिंग के दम पर शाहरुख खान ने फैंस के दिलों में अपनी खास जगह बनाई हुई है, जिसके चलते शाहरुख की पठान भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। इस बीच सोमवार को शाहरुख खान ने अपने चाहने वालों के लिए ट्विटर पर आस्क SRK सेशन रखा था। इस दौरान शाहरुख खान ने अपने फैंस के तमाम सवालों को जवाब भी दिया और बताया कि वो अपनी किस आदत से काफी ज्यादा परेशान है। तो शाहरुख खान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर फैंस से रूबरू होने के लिए आस्क SRK सेशन रखा। इस दौरान एक फैन ने शाहरुख खान से पूछा कि आपकी ऐसी कौन सी हॉबी है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है। इस सवाल का जवाब शाहरुख ने बड़े ही निराले अंदाज में दिया है। शाहरुख खान ने रिप्लाई देते हुए लिखा, मैं एक ही बात को बार बार समझाता हूँ। इस सेंटेंस को शाहरुख ने अपने ट्वीट में 3 बार लिखा और बताया कि एक बात को दोहरा दोहरा कर समझाने की उनकी आदत सबसे खराब है और उससे वो काफी ज्यादा परेशान है। मालूम हो कि फिल्म पठान की रिलीज से पहले कई बार शाहरुख खान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर आस्क SRK सेशन रख चुके हैं, जो हमेशा की तरह इस बार भी चर्चा का विषय बना रहा। सुपरस्टार शाहरुख खान की कमबैक फिल्म पठान के जरिए काफी धांसू रहा। रिलीज के करीब 25 दिन बाद भी स्पाई थ्रिलर पठान बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, जिसके चलते पठान का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 511 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है और अब फिल्म पठान भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इकलौती फिल्म बन गई है। तो ऐसे ही मसालेदार चटपटी खबरों के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड गपशप।